وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مظلوم واحد چیخ گرے سنیا چیخا ارض و سمائے جدو ہمدی پوجا رینا گئی ہمتا ناساز ہے لیکن الحمدللہ نیت صاف ہے
अजान मिल्लत आमाल का दारो मदार नियत पे है। दुरुस्त हो गए सारी मनाजिर अल्लाह पाक आसान फरमा दे। और तुसा हजार की हिम्मत है कि नमाज इशा तो लेके हुन तक उलमाए कराम और सलाखाना ने मुस्तफा दे कलाम भी सुने और आवाज़े बयानात भी सुने जिक्र रसूल सुन के थके थे नहीं नहीं जी नहीं या जिक्र रसूल सुन के अक्के थे नहीं मैं ते आदा होना जरूरत दे वेले सवाली गोविंदाए जलाल हमेशा जलाली बुलेंदाए हरामी ते हर वेले शर्म तो चुपे जिक्र नबी विच हलाली बुलेंदाए जिसने जितनी मोहब्बत आमना दे नाल दे नाल उची कह दे सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत आज तू कमली वाले दे हक के चुबोल कल कयामत वाले दिन कमली वाले तेरे हक विच बोले हर इंसान दी जिंदगी दे अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ दौर बनाए जन्नत तो लेके मरण तक बाज लोगों को अल्लाह ने एक दौर दिता बाज लोगों को अल्लाह ने दो दौर अता किए बाज को अल्लाह ने तीन दौर अता किए बाज लोगों को अल्लाह पाक ने चार दौर अता किए। पैदाइश होई जे किसे नु बचपन के अंदर मौत आ गई एक दौर नसीब होया लड़कपन की जिंदगी में मौत आई जन्मन तो लेके मरण तक दो दौर नसीब होए जे किसे नु जवानी के अंदर मौत आई बचपन तो लेके जवानी तक तीन दौर नसीब होए जे किसे नु बुढ़ापे के अंदर मौत आई बचपन का जमाना भी पाया फिर लड़कपन की जिंदगी भी पाई जवानी का जमाना भी पाया फिर बढ़ापा भी पाया फिर मौत आई बचपन किसे दा बेदाग फिर लड़कपन दागदार जे लड़कपन बेदाग जवानी दागदार जे किसे दी जवानी बेदाग बुढ़ापा दागदार। अजीजान मिल्लत आवन तो कबल किसे नो नहीं इल्म के मेरे घर दे अंदर मुसलमान होएगा या गैर मुस्लिम नेक बनेगा या बद बनेगा किसे को कोई इल्म नहीं। अल्लाह पाक ने तमाम इंसानी मखलूक के अंदर रब ने ए फैसला रब ने ए तरतीब रखी पर जो नंबर आया आमना दे लाल दा इंजनिया मोहब्बत सुभान अल्लाह कमली वाले दे तज़करे जावन तो बाद भी कमली वाले दे तज़करे आलमे अरवा दे अंदर अल्लाह पाक ने अंबिया दी जमात नु बुलवाया अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे हैं बहिर अखज़ अल्लाहु मीसा नबीन अल्लाह पाक ने अंबिया दी मुकद्दस जमात को
बसारत न होती अगर आग तेरी जियारत न होती ये आंखें न होती बसारत न होती अगर आका तेरी सदारत न होती अल्लाह पाक हमारे आदम से फिरला नूह नदी अल्लाह तू सभी सुन लो जनाबे हुद तू लिए छा जसा तू सभी सुन लो जनाबे इब्राहिम जनाबे इस्माइल जनाबे इसहाक यूसुफ तू सभी सुन लो अल्लाह फिर साडे वास्ते क्या हो गए अल्लाह पाक फरमांदे मैं तो मिनन नबी वाला रसूलुल्लाह जरूर बजरूर मेरे महबूब ते ईमान भी लेके आया मेरे महबूब दी बीवी मुआमलात के अंदर नुसरत भी करना मेरे दोस्ता मेरे बुजुर्ग जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम Thank you.
تحقیق مومنا دے اوتے میں رب العالمین دا بہت بڑا احسان تے بہت بڑا انعام اذ بعث فیہم رسولا میں اپنا رسول اپنا پیغمبر اپنا محبوب تانو عطا فرمایا ہے بھلا کوئی محب اپنا محبوب بھی کسے نو دے دیندا ہے لیکن اللہ فرماندا ہے دیوان واسطے تیار کریں لیکن میں رب العالمین نے اپنا محبوب تانو عطا فرمایا ہے من انفسہم اپنے خلیل دی گل منیے اپنے خلیل دی گل منیے ہے بھی امام الانبیاء جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذریت وچ نال اللہ پاک فرماندے یتلو علیہم آیاتہ میرے خلیل نے منگیا کہ لے جاتے تیرے قرآن دی تلاوت کرے اللہ فرماندے میں خلیل دی گل مان لئیے لیکن اگے جا کے اللہ فرماندے میں تھوڑی تبدیلی کرن لگا میں تھوڑا جیا تبدیل کرن لگا جناب خلیل دی دعا نو میرے خلیل نے آکھیا وا یعلمہم الکتاب والحکمت لوگاں نو کتاب سنت دی گلاں دسے وا یزکیہم جڑے بھی آ جان انہاں نو پاک بنا دے اللہ پاک سمجھ لے او میرا بندہ میں اپنے خلیل دی گل منیے جنا جڑے جڑے بھی میرے خلیل دے درے دولت تے آ گئے اپنے شاہی محل دے اندر تے شاہی بستر تے قیام پئی
आखिरकार ये गल चलदी चलदी हजरत दानियाल अलैहि सलातो सलाम दे मुबारक गन्ना ते पई है। हजरत दानियाल अलैहि सलाम ने इस बादशाह बुखे नसर ने अपनी जेल दे अंदर से पाबंद कीता होए कैदो सनासल दे अंदर पाबंद जेल दा कैदी बना के रखया होया। हजरत दानियाल फरमावन लगे ने आखिर ते आवन वाला इमाम अल अंबिया आखिर ते आवन वाला खतीब अल
परचम बुलंद करना है, रब आलमीन दी रबूबियत दा परचम बुलंद करना है। ना तो मना उसते उज्जा दी फिर जाके हटा के दुनिया में अल्लाह पाक दे दरे दौलत ते ले आवना है। फिर दुनिया दे अंदर रखी दुनिया तक कयामत दी सुबह तक हुकूमत चलेगी ते आमना दे नाल दी, शरीयत चलेगी ते आमना दे नाल दी, नबूवत चलेगी ते आमना दे नाल दी। मैं आप आखन ते मजबूर बे मिसल ते बे मिसाल बन के हे रब दा सोहना हबीब आया। वाह 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 क्या बात माशाल्लाह। बे मिसल ते बे मिसाल बन के हे रब दा सोहना हबीब आया। दिला दिया मर्जा खुलान की दे, दिला दिया मर्जा मकान की दे, है मदनी बन के तबीब आया। मेरे दोस्तों मेरे बजुर्गों कितने हसीनों
हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिता है। अद्धा हुस्न मेरे भाई यूसुफ को अता फरमाया ते बाकी अद्धा हुस्न अल्लाह पाक ने आदम तो लेके कयामत तक जितनी भी मखलूकात दुनिया के अंदर आने वाली अल्लाह पाक ने हुस्न दी अद्ध बाकी मखलूक नु अता फरमाई है। सवाल ज़हन के अंदर शायद पैदा हो इसे मकाम ते तेरी और मेरी माँ उम्र मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका भी बोल रही जिन्होंने माँ के नाल मोहब्बत है उची सुभान अल्लाह के सिद्दीका परहेजगारी
ਜਨਾ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗੰਦਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਏ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਰੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁਤਬੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਇਤਾਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਤਬੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤਬੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਇਲਮ ਹਿਕਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਇਲਮ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲੋ ਪੈਗੰਬਰੋ ਨਬੀਓ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
दुनिया का मिशन भी अपना लाए, जिस मकसद वास्ते कबली वाले दुनिया के अंदर आए न, ये मकसूद कायनात बन के आने वाला, फखरे मौजूदात बन के आने वाला, रहमत कायनात बन के आने वाला, दुनिया के अंदर इमाम अल-अंबिया जो मिशन ते काज लाए थे आए, उस मिशन को भी अपना लाए, मेरा मिलाते नहीं बख्शिश जशन ते नहीं बख्शिश इमाम अल-अंबिया दी जात ते ईमान रखन ते बाद इमाम अल-अंबिया दे मिशन नो अपनावण दे अंदर रहमत वाले पैगंबर दा क्या मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह ला
दस पे मेरी रबूबियत मुतअल्लिक भी दस पे आमना के लाल उस वेले तशरीफ रह के आए रहे आके उम्मत नु प्रणाम दिता है कबूतरी दे बच्चे पकड़े अपनी गोद दे अंदर इस तरह लेके हुजूर दी खिदमत जा गए। कबूतरी ने अपनी जान दी परवाह नहीं की थी, बच्चे नु छुड़ावन वास्ते आ गए। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने सहाबा नु फरमाया ए मेनू दसो मेरे सहाबा, कोई अंदाजा ला सकता है कि मां नु अपनी औलाद कितनी प्यारी है? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां ने जान की परवाह नहीं की थी, बच्चियां वास्ते आई। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया एक जानवर जानदार चीज मां की हसीयत अपनी औलाद ना इतनी प्यार कर दी है, मेरा अल्लाह 70 मावां तो ज्यादा अपने बंदे नाल प्यार करता है। सुभान अल्लाह, कितने तू ते मैं खुश नसीब आए, इतने खुश नसीब होने के बावजूद भी रब्बुल आलमीन दा दरवाजा छोड़ के गैरा दे दर ते पहुंचे वदे आए। 9 महीने बच्चों उस वक्त के कोई पीर आमिर फकीर नहीं तवीज देवन वाला, अल्लाह पाक मां के शिकम दे अंदर बच्चे दी परवरिश से फिजा दा इंतजाम कीता है। 9 महीने तो बाद जदो बहर आ गया फिर असी चले गए आमला दे कोल, शाह जी हजरत जी मेहरबानी फरमाओ कोई तावीज दियो। अजीजा ने मिल्लत ए तावीज लगा तो बादे बतन तेरे हंदे अंदर हिफाजत करन वाला कौन? आज भी आप जो अल्लाह दे दरे दौलत ते रब दी बारगाह दे अंदर दुआ मांग, अल्लाह मैनु बेटा अता फरमाए, अल्लाह मैनु बेटी अता फरमाए, इसकी हिफाजत भी तेरे जिम्मे है, अल्लाह एदी सीहत तो बीमारी दा मालिक भी तू है। अल्लाह फरमा दे मेरा बंदा आ मेरे दरे दौलत ते महसूस होवे रात की तारीकी दे अंदर आ जा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह फरमांदे नींद आउण ते दूर दी गल ए, मैं रब्बुल आलमीन ऊं तो भी मुबर्रा ते पाक साफ आ। अल्लाह अपने आप नु नींद तू मुबर्रा क्यों बनाए? अल्लाह पाक फरमांदे जे मैं रब्बुल आलमीन नु रात दी तारीकी दे अंदर या दिन दे उजाले दे अंदर नींद आंदी ते मेरे बंदे दी आहो सारी नु कौन सुनदा? मेरे नबी किस देर के जाके हाथ फैलाइंदे? अल्लाह फरमांदे जे मैं रब्बुल आलमीन नु नींद आंदी मेरे गुनाहगार बंदे दी आहो सारी नु कौन सुनदा? मैं ते तसल्ली दे रही हां शर्मा।
सीरत इमाम लंबी यादा इत्तेबा के फरमान बरदारी अल्लाह फरमाते तेनु माल औलाद ते जर दे तेनु माल औलाद ते जर दे तेरी हर मुश्किल हल कर दे पढ़ो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अब जिसके दी में आए वो पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया वमा अलैना इल्लल बना दो मुबीन थके थे नहीं नहीं थे नहीं खुश बैठे हो अजीजा ने मिल्लत थोड़े शहर की पहचान थोड़े शहर की आवाज सना खान मुस्तफा जनाब हाफिज अब्दुल जब्बार मुआविया साहब चंदा शाह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कर दो इंशाल्लाह इन्हें देखा के बाद दुआ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताबे जिंदा को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।